हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 11th अप्रैल 2019 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको करेंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड हेमोपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो विश्व हेमोपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को, और सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिए भी हैं। चलिए अब आज का सेशन चालू करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, हु क्लिंच्ड द 2019 मेन सिंगल मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। किसने 2019 पुरुष एकल महिला ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिन डेन। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, रिसेंटली 92 ईयर्स ओल्ड सिडनी बेरिनर डाइड एट द एज ऑफ 92 इन विच फील्ड वाज द नोबल प्राइज अवार्डेड टू हिम। हाल ही में 92 वर्षीय सिडनी बेरिनर को आयु में निधन हो गया है, उन्हें किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया गया था? तो थेरेपी में दिया गया था। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि सिडनी ब्रेनर जो थे वो किस फील्ड से संबंधित थे, तो थेरेपी से संबंधित थे और इनको नोबल प्राइज मिला है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, विच इंडियन कंपनी वन द ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड। किस भारतीय कंपनी ने SI ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील ने ये जीता है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ए सिंबल ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशन एज द गुड्डी पड़वा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गुड़ी पड़वा के रूप में नए साल का जश्न मनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, विच फूड डिलीवरी कंपनी हैज लॉस्ट 29.4 मिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोमाटो। जोमाटो जो है ये फूड डिलीवरी कंपनी है जिसको 29.4 मिलियन का घाटा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, विथ विच बैंक डिड NTPC साइन टू रेज ₹2000 करोड़। किस बैंक के साथ NTPC ने 2000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए हस्ताक्षर किए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन सेवन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज क्रिएटेड ए न्यू हिस्ट्री बाय टेकिंग 12 विकेट इन द IPL विथ 12 रन्स इन 3.4 ओवर। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 3.4 ओवर में 12 रन देकर IPL में 12 विकेट लेकर एक नया इतिहास रचा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोसेफ अल्जारी। तो ये रिकॉर्ड बना है IPL में, इसलिए ये करेंट अफेयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द इंडियन टेक्सटाइल सार्स बुक इज रिटन बाय होम। तो देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द इंडियन टेक्सटाइल सार्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है एवलोन फोस्टरमिंग के द्वारा। बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड 2019 जॉन रिक कॉनराड ग्रैंडियर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड फॉर हिज वर्ल्ड लीडिंग रिसर्च इन द ग्लोबल मेंटल हेल्थ। तो ये मिला है विक्रम पटेल को। तो ए करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल स्क्वैश प्लेयर टू इंटर द टॉप 10 इन द लेटेस्ट प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन PSA वर्ल्ड रैंकिंग। कौन न्यूनतम प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन विश्व रैंकिंग में श्रेष्ठ 10 में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी बन गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरभ घोषाल। ये पहले भी आपको हम बता चुके हैं क्वेश्चन। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का। और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो रिवीजन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेमोपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व हेमोपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और हेमोफीलिया डे मनाया जाता है आपको 17 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, द कंट्री फर्स्ट डायमंड म्यूजियम इज टू बी सेटअप इन द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड। तो ये देश का पहला हीरा संग्रहालय जो है छतरपुर जिले में स्थापित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर थ्री देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम द अप्रैल 7 टू अप्रैल 14 2019।
तो 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 2019 तक आप 2019 में नेशनल हैंडलूम वीक मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, हु वॉज द न्यू चीफ ऑफ द CII रिसेंटली। तो हाल ही में CII के नए प्रमुख कौन है? CII का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इसके नए चीफ के तौर पर चुने गए हैं विक्रम किर्लोस्कर। बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इन द डायरेक्शन गिवन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाउ मेनी ईवीएम एंड वीवीपैट पर्चीज हैव बीन आस्क्ड टू मैच एन ईवीएम। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए गए निर्देश में एक ईवीएम की जगह अब कितने ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने के लिए कहा गया है? तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो प्रफुल्ल पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, उससे पहले देख लीजिए, यही है प्रफुल्ल पटेल। क्वेश्चन 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? तो जस्टिस प्रदीप नंद राजयोग जो हैं इनको चुना गया है। तो बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द रिसेंटली लॉन्च अफ्रीकन लायन 2019 इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज अमंग द कंट्रीज। हाल ही में शुरू किया गया अफ्रीका शेर 2019 देशों के बीच में सैन्य अभ्यास है। तो मोरक्को और यूएसए के बीच में ये सैन्य अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फ्रॉम वेयर डिड द इंडिया इविक्वेट इट्स इंटायर कॉन्टिजेंट ऑफ 15 CRPF पर्सनल इन द अप्रैल 2019। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राइपोली। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, प्रोजेक्ट 75 इंडिया समटाइम सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज। प्रोजेक्ट 75 इंडिया जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जाता है किस भारतीय शस्त्र बल से संबंधित है? तो इंडियन नेवी से संबंधित है। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बी है उसी का, मतलब कि जैसे प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 76 इस तरह करके, इसका डिटेल हम ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं। तो ये पनडुब्बी का दूसरा नाम होता है प्रोजेक्ट 75। स्टैटिक देख लेते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन। तो आज हम लोग नए चीज़ चालू करेंगे, केमिस्ट्री, हिस्ट्री भी चलते रहेगा, बीच बीच में केमिस्ट्री भी करेंगे क्योंकि NTPC का एग्जाम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं NTPC का के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन, हाउ मच कार्बन डज स्टील कंटेन। स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो 0.1% से लेकर 1.5% तक कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन। निम्नलिखित में से कृत्रिम बारिश का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड से आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फर्टिलाइजर हैविंग हाई नाइट्रोजन कंटेंट इज। तो बी होगा आपको अमोनिया सल्फेट। तो अमोनिया सल्फेट आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज कलर्ड बिकॉज इट कंटेन डिजॉल्व्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कमर्शियल नाइट्रिक एसिड है वो क्यों कलर्ड होता है? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका आंसर आप लोग को देना होता है। और आशा करते हैं कि जितने लोग वीडियो देखे होंगे वो सारा के सारा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु क्लिंच द 2019 मेन सिंगल मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। किसने 2019 पुरुष एकल मलेशिया ओपन टूर्नामेंट जीता है, बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है? 4 ऑप्शन है, लिनडेन, बी है श्रीकांत, और सी है चेन लॉन्ग, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए और आप 110% इसका करेक्ट आंसर दे सकते हो अगर आप वीडियो ध्यान से देखे होगे तो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।